सबसे ज्यादा प्रेम लेबरर्स करता है विदाउट एनी फी, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं। तो यहां बिल्कुल डिफरेंट है और वहां बिल्कुल डिफरेंट है। वो अच्छा है और हमारा खराब है, मैं ऐसा नहीं कहता, अच्छा है उनका खराब है ये भी नहीं कहता, लेकिन दोनों जगह डिफरेंस है वो जानना चाहिए। एंड लास्ट इसी रो में एक डिफरेंस में और बताना चाहता हूं, मेरा एक और दोस्त है जो अमेरिका में एक कंपनी में है, मैनेजर है, जनरल इलेक्ट्रिक में है। अभी थोड़े दिन पहले उसने मुझे ईमेल किया और उसने कहा कि राजीव दीक्षित मेरा जो फ्लैट था उसमें आग लग गया, फायर हुआ। तो मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका में अगर फायर हुआ है तो वो फायरमैन आ जाएगा, वो आपका सब काम करेगा, नंतर पुलिसमैन आएगा, एफआईआर लॉन्च करेगा, थर्ड फिर वो आएगा इंश्योरेंस वाला आएगा आपको चेक दे देगा, फोर्थ गवर्नमेंट का कोई और ऑफिसर आएगा पूछेगा आपको और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप कहेंगे ओके तो वो चला जाएगा। तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा घर में फायर हो गया, फ्लैट में फायर हो गया, तो फायरमैन आया उसने कहा यस आया, पुलिसमैन आया यस आया, इंश्योरेंस का क्लेम मिला यस मिला विद इन वन डे। फिर मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा मेरा नेबरर नहीं आया। तो मैंने कहा वो तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी नेबरिंग सोसाइटी नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, वहां कोई किसी का नेबर नहीं। तो उसने कहा यार अगर मैं भारत में होता और मेरा फ्लैट में फायर होता तो 100% फायरमैन नहीं आता। हाँ, हमको स्वयं उसको बुझाना होता, नंतर पुलिसमैन तो कभी भी नहीं आता, और इंश्योरेंस वाला तो बंद वर्ष नंतर आता, आपका क्लेम है क्या? लेकिन नेवरर इमीडिएट आता। तो मैं उसको बोला दिस इज द डिफरेंस ऑफ अमेरिका एंड भारत, अमेरिका में लेबरर कभी नहीं आएगा बाकी सब लोग आएगा, भारत में सिर्फ लेबरर आएगा बाकी कोई नहीं आएगा, ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस के साथ जब हम अमेरिका या यूरोप में जाते हैं रहने के लिए तो बहुत तकलीफ आती है एडजस्ट होने में, क्योंकि हम एक डिफरेंट माइंडसेट से जाते हैं, वहां डिफरेंट माइंडसेट है, तो एडजस्टमेंट में ही बहुत समय खर्च होता है, और फाइनेंशियली जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता हमेशा आपके सिर पर एक तलवार लटकता रहता है कि जहां आप काम कर रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको नोटिस मिलेगा और आपको फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ेगा, आपका कोई लॉजिक वो सुनेंगे नहीं, कोई कोर्ट में आपका बात होगा नहीं, ऐसे कंडीशंस में रहना। तो ये लोग जब वहां रहना शुरू करते हैं बहुत ज्यादा दिन रहने पर उनको एडजस्टमेंट करते करते एक तरह का माइंडसेट बन जाता है, फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उस माइंडसेट से भारत में वापस आना। कभी कभी वो आने का सोचते हैं, कभी जब उनके जो मक्कड़ है ना बेटा या बेटी वो थोड़े बड़े होते हैं 12 इयर्स 13 इयर्स 14 इयर्स 15 इयर्स, तब उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अगर आपका बेटी है मगड़ डॉटर 12 इयर्स ओल्ड तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, तब उनको सीरियसली प्रॉब्लम आता है, वो कल्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में 12-13 इयर्स के डॉटर्स और सन हैं, तो आइदर वो गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा या बॉयफ्रेंड के साथ, ताई तंते के साथ नहीं रहेगा, ताई तंते के साथ नहीं, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में बाय लॉ मां बनने का मिनिमम एज 12 इयर्स है, बाय लॉ इसको मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूं आपको, बाय लॉ अमेरिका में कानून है कि कोई भी लड़की कोई भी स्त्री 12 इयर्स के एज में अगर मां बनती है देन इट इज ओके, 12 इयर्स से बंद पिंगड़ा भी कम है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इलीगल है। आप जरा सोचो कि किसी एक सोसाइटी ने कानून बनाया हुआ है कि 12 इयर्स में वो मां बन सकती है, इसका माने बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है, तो आपको 12 इयर्स में मां बनने का परमिशन लॉ ने दिया है और वो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, और भारत में किसी 12 इयर्स ओल्ड डॉटर का कहीं मैरिज हो जाए तो झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं, आप तो पिछड़े हुए हैं, क्या बोल सकता है, व्हाट इज नॉनसेंस। वहां 12 इयर्स का डॉटर ताई बनता है, इट इज ओके, प्रोग्रेसिव है,
या 12 इयर्स का डॉटर किसी को मैरिज करने के बाद टाई बनता है तो वो बोलते हो इट इज नॉट ओके, विदाउट मैरिज टाई बने इट इज ओके, विद मैरिज टाई बने इट इज नॉट ओके। तो हमको वो चिल्लाना शुरू करते हैं, भारत बहुत पिछड़ा देश है, 18 सेंचुरी वाला देश है, 16 सेंचुरी वाला देश है। तभी मैं उनको कहता हूं तो भारत 21 सेंचुरी कितना सुंदर है, 12 इयर्स में टाई बनने का तुमने लॉ बना दिया है। और सीरियसली जो ओरिजिनल अमेरिकन्स है ना उनके फैमिलीज में कभी कभी मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपका डॉटर तो बॉयफ्रेंड के साथ रहता है। हाँ यस, बिकॉज शी इज 12 इयर्स ओल्ड और 13 इयर्स ओल्ड।